मिशन रोजगार में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ आज नए आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। लोक भवन सभागार में होने वाले इस कार्यक्रम में चयनित आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इन सभी अभ्यर्थियों का चयन यूपी लोक सेवा आयोग के जरिए हुआ है। प्रदेश में नए आबकारी निरीक्षकों की नियुक्ति से सरकार अवैध शराब के विरुद्ध और अधिक प्रभावी कार्रवाई करने का मन बना रही है। मिशन रोजगार लगातार जारी है और इसी क्रम में आज लोक भवन में कार्यक्रम आयोजित होगा। यूपी लोक सेवा आयोग के जरिए ये तमाम जो नियुक्ति हैं वो हुई हैं। नए आबकारी निरीक्षकों को इसी क्रम में आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में चयनित आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र देने का ये कार्यक्रम है, समारोह है और इन सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनका चयन यूपी लोक सेवा आयोग के जरिए हुआ है। प्रदेश में नए आबकारी निरीक्षकों की नियुक्ति से सरकार अवैध जो शराब के विरुद्ध कार्रवाई है उसको और अधिक प्रभावी ढंग से करेगी, क्योंकि लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और ऐसे में जो नई नियुक्तियां हो रही हैं आबकारी निरीक्षकों की, उससे आने वाले वक्त में जो मुहिम है उसमें एक बल मिलेगा और इसको लेकर ही सरकार आगे बढ़ रही है। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त लाइव मौजूद है, उनका रुख करेंगे। विशाल, क्या ही पूरा कार्यक्रम विस्तार से दर्शकों को बताएं? देखिए, शाम 4 बजे आज ये पूरा कार्यक्रम लोक भवन में होगा और सीएम योगी आदित्यनाथ जो आबकारी निरीक्षक हैं इनको नियुक्ति पत्र जारी करेंगे और खुद कुछ कैंडिडेट जो हैं जो जिन्होंने आबकारी निरीक्षक की परीक्षा पास की है उनको अपने हाथों से नियुक्ति पत्र बांटेंगे। चूंकि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार मिशन रोजगार के तहत तमाम लोगों को रोजगार दे रही है और इसी कड़ी में इस कार्यक्रम को देखा जा रहा है। चूंकि सरकार का ये लक्ष्य है कि इस साल करीब 1 लाख के आसपास जो है वो नौकरियां सरकारी दी जाएं, तो ऐसे में उसी कड़ी में आबकारी निरीक्षक के जो एग्ज़ाम्स हुए थे उनके जो रिजल्ट आए थे उसके बाद नियुक्ति पत्र आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे। शाम 4 बजे ये कार्यक्रम लखनऊ के लोक भवन में होगा और मुख्यमंत्री के साथ साथ जो आबकारी मंत्री हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।